अपने मूलभूत संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं, वरना अब इस देश के एससी व एसटी वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा कि ये लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों के भी एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नियत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें। फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खत्म कर दिए जाएंगे, अन्यथा इन्हें सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। ऐसे में मेरी इस देश के सभी एससी व एसटी वर्गों के सांसदों एवं एमएलए व एमएलसी तथा अन्य राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, उन सभी से ये कहना है कि ये लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों के भी एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नियत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें और अपने मूलभूत संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं, वरना अब इस देश के एससी व एसटी वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या किसी राजनीतिक पद के लिए हो, जैसे कि एमपी व एमएलए आदि के लिए हो। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अब समय आ गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय आदि की नियुक्तियों में भी एससी व एसटी वर्गों के लिए पद आरक्षित किया जाए, जिससे कि इन उच्च अदालतों में इन वर्गों के लोगों की भी बात सुनी जाए और समझी जाए, और भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागराज केस के में दिए गए निर्णय एवं दिनांक 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिए गए निर्णय की तरह के अन्य कोई और निर्णय एससी व एसटी वर्गों के विरुद्ध देकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन न किया जाए। इस प्रकार इन पार्टियों की भी इस दोगली नीति से एससी व एसटी वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, जिन्होंने इस बार देश में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आरक्षण व संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली हैं, अपनी अधिकांश सीटें जरूर जीत ली हैं और अपनी एकमात्र रितेशी पार्टी बीएसपी को नुकसान पहुंचा दिया है।